एक तरफ अमेरिका इंडिया के गीत गा रहा है, उधर से रशिया भी इंडिया के गीत गा रहा है, एंड लुक हाउ इंडिया हैज़ मैनेज टू रीच टू दिस पॉइंट। अच्छा, अब अगर ये देखें, एक तरफ अगर डॉक्टर जयशंकर का, रिसेंट में कल एक सुन रहा था कि डॉक्टर जयशंकर की जो फॉरेन पॉलिसी है वो किस तरह एक, जैसे कह लें कि ऑफेंसिव भी है, एग्रेसिव भी है, और वो वट एवर ही वॉन्ट्स टू गेट दे गेट इट डन। अभी मैं देख रहा था यूके जो है उसने पाकिस्तान की जो नेशनल है मियाँ अब्दुल हक साहब, जिन्हें मियाँ मिठू कहा जाता है, उनको जो है वो सेंक्शन लगा दिए उसके ऊपर। वैसे तो सही सेंक्शन लगाई हैं, क्योंकि जो उनकी हरकतें थी कि वो माइनॉरिटीज़ को, हिंदूज़ को या ईसाइयों को मुसलमान करना ज़बरदस्ती फोर्सफुली, दैट इज़ नॉट अलाउड इन रिलीजन, तो वट एवर ही डिड। लेकिन दैट इज़ ऑब्वियसली इंडियाज़ पॉलिसी ये है कि पाकिस्तानी नेशनल्स को पकड़ पकड़ के उनके ऊपर सेंक्शन लगवाओ एंड कॉल देम एज द रोग एलिमेंट्स जी वहाँ पे हैं, तो दैट गिव्स देम अ मैसेज। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो इंडिया जो है ये स्लोली स्लोली कर रहा है और करवा रहा है, एंड 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 दे आर गेटिंग द रिजल्ट्स। खैर, अब डॉक्टर जयशंकर, पहली बात तो ये है कि वो जो इंडिया ये कह रहा है कि जी हम एक इंडिपेंडेंट पावर हैं, और वो कह रहे हैं कि हम सिर्फ इंडिपेंडेंट पावर नहीं है, हम प्राइमरी पावर हैं। अब पाकिस्तान का प्रॉब्लम ये था कि पाकिस्तान शुरू से इंडिया को मानते ही नहीं है कि ये प्राइमरी पावर है, ना ही वो कहते हैं कि जी हम इंडिया को खत्ते में डिक्टेट करने देंगे कि वो जो करना चाहता है, वो कह रहे जी हम नहीं करना चाह रहे देंगे, क्योंकि हमने ये सारा कुछ अचीव करने की कोशिश की ओनली थ्रू सिक्योरिटी लेंस, ओनली थ्रू द सिक्योरिटी प्रिज्म, और हमें समझा लगा न्यूक्लियर वेपन्स आ गए, उसके बाद द मिसाइल टेक्नोलॉजी ले ली, और वैसल टू वैसल कॉम्पिटिशन इंडिया के साथ करना है, और बस यही चीज़ है। हम 15 साल 18 साल ये पीछे अपने बनाए हुए जो तालिबान थे, अपने बनाए हुए बच्चे जो थे उनसे लड़ने में मसरूफ हो गए, इंडिया ने तरक्की करनी शुरू कर दी। सो हमारी जो 40 साल की तरक्की नहीं हुई, और हमने 1947 से लेके जो अभी 2022 तक भी जंगें लड़ रहे हैं, पहले जो है वो किसी और खाते में लड़ रहे थे, आप वापस जय एक हिंद दूसरे के दोस्तों, कपड़े ऋषभ में। जी, आपका आपका स्वागत है। जहाँ एक और विश्व शक्ति अमेरिका भारत को महाशक्ति कहने पे मजबूर हो गया, वही कल रशिया ने अपने विदेश मंत्री के हाथों यह कहलवाया है कि भारत अब एक महाशक्ति हो गया। जब दो महाशक्ति मिलके और इतर महाशक्ति मिलके भारत को महाशक्ति बताने पे तुली हुई है, वही इन सब बातों से पाकिस्तान को बहुत मिर्ची लगी है और उसके मीडिया में काफ़ी सारे बातें चल रही हैं और डिबेट हो रही है इसी को लेकर कि भारत को इतना कोई ऊंचा क्यों कर सकता है और भारत का कद विश्व में इतना ऊंचा कैसे हो सकता है। वही रशिया का ये मानना है या साथ ही साथ अमेरिका भी मानना है कि रशिया और यूक्रेन का जो युद्ध चल रहा है उस युद्ध में निर्णायक भूमिका अगर कोई मिला सकता है तो वो सिर्फ भारत और भारत ही कर सकता है। तो इसी मुताबिक पाकिस्तान मीडिया में क्या चर्चा चल रही है उनके रिएक्शन हम देखते हैं इस वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज ये वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सहयोग दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सऊदी अरेबिया, ये तो ये हमें नहीं पता कि 4.2 बिलियन दे रहा है या 3 बिलियन दे रहा है। जी ये 3 बिलियन या 4.2 बिलियन क्या वाकई दे रहा है? और दे रहा है तो जाहिर है कि वो हमारी मिलिट्री लीडरशिप की वजह से देगा। डिपॉजिट रखवाएगा हमारे पास, अगर डिपॉजिट रखवाएगा तो हम छू नहीं सकते उसको, और अगर वो हमें ब्रिज देगा यानी ब्रिज के तौर पे पैसे देगा कि हम अपने खर्चे, तो ये तो हफ्ते के अंदर गायब हो जाएंगे सारे, क्योंकि किसी को कितने देने, किसको कितने देने, इधर किसको जो है कितने अफगान देने। तालिबान जब उनका दिल करता है, मतलब आप इमेजिन करें कि 6 लाख की फौज, इतना तगड़ा मैकेनिज्म, लड़ने को हम जो है वो तैयार बैठे, और रोजाना अफगान तालिबान हमारे बंदे मारते रहते हैं और यहाँ से कोई रिस्पॉन्स ही नहीं। हम स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे, हमारे एम्बेसडर को वहाँ पे उन्होंने जो है वो इतना इनसिक्योर है कि अगर हमारा अपना गार्ड SSG कमांडो ना होता तो वो ले, जिन्हें पंजाबी के लेते गए सन, हमारे एम्बेसडर को वो ले दे गए हुए थे यार, और यहाँ पाकिस्तान के पास कोई प्लान ही नहीं है, कोई गलबात ही नहीं, ये रो रहे हैं अपने अपने आप में, रो रहे हैं हम अपने वो रो रहे हैं कि जनाब वो तो क्या उसे बोलते हैं, मुश्किल से हम अपनी इकोनॉमी को देख रहे हैं, हम क्या करें और क्या ना करें, हम तो अपनी इकोनॉमी को देख रहे हैं क्या करें और क्या ना करें। एक तरफ इंडिया है, वहाँ पे बातें ये चल रही हैं जनाब के एप्पल जो है वो सारा कुछ वहाँ शिफ्ट कर रहा है, और मैं भी देख रहा था कि जो ब्लूमबर्ग है उसने, सॉरी वॉल स्ट्रीट जर्नल ने ये कहा है कि जी दुनिया की जो सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनी है, बल्कि अमेरिका की बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनी जो है वो अपना जो है वो इंडिया, वो चाइना से सारा ऑपरेटर्स बंद कर रहा है, बिकॉज सप्लाई चेन के इशू आ रहे हैं वहाँ, कोविड के मसाइल हैं, सख्त कोविड की पॉलिसी हैं, और बिजनेस वहाँ जा रहा है। डॉक्टर जयशंकर ये कहते हैं कि भाई अब जो है वो क्या उसे बोलते हैं कि आप तो पाकिस्तानी भी मानते